चुनाव के परिणाम आ चुके और बौद्ध समाज पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला और उसी निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा करने को लेकर बौद्ध समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की बताई जा रही है कि लखनऊ में जल्द ही एक राज्य स्तरीय बैठक होगी जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। साथ ये बड़ी खबर निकलकर आ रही है पार्टी सूत्रों के अनुसार कि बौद्ध समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी भाग ले सकती है। आपको चले तो लोकसभा सीटों के बाद खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है और इन उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी भाग भी ले सकती है। इन तमाम बातों को मुद्दों को लेकर इसी मंथ में आपको बताया चले तो बड़ी खबर निकलकर आ सकती है जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी भी उतार सकती है। अगले महीने होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती खुद मौजूद होगी। तमाम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सहित तमाम सेक्टर पदाधिकारी और अन्य नेताओं को यहां पर बुलाया जाएगा और आपको चले तो इस बैठक में इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लेकर आए खराब परिणामों के बाद बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर और उपचुनाव में जो 9 सीटों पर होने वाले उनको लेकर सबसे ज्यादा नजर बनी रहेगी। आपको चले तो बहुजन समाज पार्टी अगर इन 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है दमदारी के साथ चुनाव मैदान में लड़ सकती है तो कहीं ना कहीं 2 से 3 MLA अपने पास से बहुजन समाज पार्टी ले सकती है क्योंकि ऐसे कई सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार कई जीते हैं तो कई बार आपको चले तो 2 नंबर पर भी रही है। तो यानी कि बहुजन समाज पार्टी को कार्यकर्ताओं की मांग है कि आपको उपचुनाव लड़ना चाहिए। निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने को मिला जहां पर लखनऊ में होने वाली बैठक से पहले क्या कुछ निर्णय होता है।